मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं, आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप पूरे गांव के किसानों को एफपीओ के माध्यम से इकट्ठा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हो, आप ये भी कर सकते हैं। देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है? साथियों, आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। ये कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। इतना ही नहीं, जो लोग किसानों के नाम पर बात करते हैं ना, ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोष किसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब वो राजनीतिक विचारधारा वाले तो सिर्फ नेता हैं, बाकी तो भले भले किसान हैं। उनको जाकर के सीक्रेटली पूछोगे कि भाई आपकी कितनी जमीन है, क्या पैदा करते हो, इस बार बेचा कि नहीं बेचा, तो वो भी बताएगा हाँ वो एमएसपी में बेच करके आया। और जब एमएसपी में खरीदी चल रही थी ना, तब वो आंदोलन को उन्होंने ठंडा कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी जरा किसान मंडी में जाकर के माल बेच रहा है, वो सब बिक्री हो गई, काम हो गया, फिर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। साथियों, वास्तविकता तो ये है कि बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरकार ने किसानों की उपज की रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की, और वो भी नए कानून बनने के बाद। और एक अहम बात, इन कृषि सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाई है। उदाहरण के तौर पर एग्रीमेंट फार्मिंग की बात ही ले लीजिए। कुछ राज्यों में ये कानून, ये प्रावधान कई सालों से हैं। पंजाब में भी है, वहां तो प्राइवेट कंपनियां एग्रीमेंट करके खेती कर रही है। क्या आप जानते हैं पहले के कानूनों में समझौता तोड़ने पर किसानों पर पेनल्टी लगती थी? मेरे किसान भाइयों को भी ये किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे किसान भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। साथियों, आप ये भली भांति जानते हैं कि पहले अगर किसी कारणवश किसान मंडी नहीं भी जा पाता था, तो वो क्या करता था? वो किसी ट्रेडर को अपना माल बेच देता था। ऐसे में वो व्यक्ति
किसान का फायदा ना उठा पाए उसके लिए भी हमारी सरकार ने कानूनी उपाय किए हैं। खरीदार समय से आपका भुगतान करने के लिए अब कानूनन बाध्य है, उसे रसीद भी काटनी होगी और 3 दिन के भीतर भुगतान भी करना होगा, नहीं तो ये कानून किसान को शक्ति देता है, ताकत देता है, वो अधिकारियों के पास जाकर कानूनी तंत्र का सहारा लेकर अपना पैसा प्राप्त कर सके। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, हो रही है, खबरें आ रही हैं कि कैसे एक एक करके हमारे देश के किसान भाई इन कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है। किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून और लीगल सिस्टम किसानों के पक्ष में खड़ा रहे। साथियों, कृषि सुधारों का एक और अहम पक्ष भी ये है के लिए समझना जरूरी है। अब जब कोई किसान के साथ एग्रीमेंट करेगा तो वो ये भी चाहेगा कि उपज अच्छी से अच्छी हो। इसके लिए एग्रीमेंट करने वाला किसानों को अच्छे बीज, आधुनिक तकनीक, अत्याधुनिक उपकरण, विशेषज्ञता ये हासिल करने में मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो उसी रोजी रोटी उसमें है। अच्छी उपज के लिए सुविधाएं किसानों के दरवाजे पर उपलब्ध करवाएगा। एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरह वाकिफ रहेगा और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा।